हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि इग्नू के तरफ से एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया गया है इग्नू बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो इग्नू बीएड के एडमिशन के ऊपर एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन इग्नू के तरफ से जारी किया गया है जो की आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो की इग्नू के सभी बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए जाना बहुत जरूरी है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक और कम्प्लीट जरूर देख लीजिएगा। पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आप हमें इन सभी सोशल मीडिया के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। राइट, सो गाइस, बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है इग्नू की तरफ से, जो की आप यहाँ पर देख रहे होंगे नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है। तो क्या कुछ कहा गया है आज के इस नोटिफिकेशन पे, उस पर हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये स्टूडेंट्स के लिए जानना काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको अब आगे क्या करना है। एडमिशन आपका कंफर्म हो गया है, आपका आइडेंटिटी कार्ड कहाँ से डाउनलोड होगा, आपका स्टडी मटेरियल कब होगा, ये पूरे इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको बताया गया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये रिलीज किया गया है, इसलिए जितने भी स्टूडेंट होंगे जो बीएड में एडमिशन लेने वाले हैं सेशन में, वो सभी स्टूडेंट, चाहे आप किसी भी रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स हो, वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यही प्रोसेस सभी के साथ होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आज का नोटिफिकेशन, जो कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ये नोटिफिकेशन 9 ऑफ दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया है, मींस ये नोटिफिकेशन कल रिलीज किया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये नोटिफिकेशन भुवनेश्वर रीजनल सेंटर की तरफ से अपडेट किया गया है, बट ये सभी स्टूडेंट्स के लिए जानना जरूरी है, चाहे आप किसी भी रीजनल सेंटर के हो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स का सेम प्रोग्राम है बीएड का, तो प्रोसेस सभी का एक ही होगा, ठीक है। इसलिए सभी स्टूडेंट जरूर जान लीजिएगा, यहाँ से भी आपका कई कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना पूरे वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। फाइन, सो गाइस, चलिए देख लेते हैं क्या कुछ आपको बताया गया है इस नोटिफिकेशन में। ये नोटिफिकेशन बहुत लंबा नहीं है, बट फिर भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को मेंशन किया गया है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये पेज देख रहे होंगे आप, इस पे हम लोग लास्ट पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले तो इस नोटिफिकेशन में आपको बताया गया है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, जिसके कारण आपको कांग्रेचुलेट किया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेट मी एट द आउटसेट कांग्रेचुलेट यू फॉर गेटिंग एडमिटेड इन बीएड प्रोग्राम ऑफ इग्नू फॉर द जनवरी 2021 सेशन, राइट। तो ये तो आपको कांग्रेचुलेशन किया गया है इस नोटिफिकेशन के थ्रू, और अब आपका जब एडमिशन कंफर्म हो गया है, देन आपको आगे का क्या प्रोसेस करना होगा वो आपको इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। इसलिए सभी रीजनल सेंटर के स्टूडेंट प्रोसेस को जरूर जान लीजिएगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रोसेस सेम ही रहेगा, राइट, चाहे आप किसी भी रीजनल सेंटर के हो, ठीक है। और गाइज, आपको यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपने अभी तक बीएड का आईकार्ड डाउनलोड नहीं किया है, देन आप इस लिंक के थ्रू कर सकते हैं। कैसे करना है डाउनलोड, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हर एक स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी, राइट। और आगे आपको बताया गया है कि आपका जो इनरोलमेंट नंबर या फिर आपका जो स्टडी सेंटर का कोड होगा, ये सब आपको आपके आइडेंटिटी कार्ड पर मिल जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर बताया गया है कि नेवर यूज योर इंटरेस्ट इनरोलमेंट नंबर फॉर द एबव पर्पस। अब आगे का जो भी आप प्रोसेस करेंगे, तो उसमें आप जो इंटरेस्ट का इनरोलमेंट नंबर है उसको नहीं करेंगे। आपको एडमिशन कंफर्म हो जाने के बाद जो इनरोलमेंट नंबर मिलेगा, जो आपका आई कार्ड पे रहेगा, उस इनरोलमेंट नंबर को आप आगे यूज करेंगे, राइट, वो आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है। फाइन, और आपको यहाँ पर बताया गया है कि अब आपको आगे क्या करना है, तो वो सभी पॉइंट को यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि सिंस एकेडमिक एक्टिविटीज शैल बिगिन शॉर्टली, वी शैल वेरीफाई योर ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इफ फील्ड अप द एक्सपीरियंस कॉलम इन बीएड एप्लीकेशन फॉर्म। वो सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस का, या फिर ये सभी सर्टिफिकेट, जिन सभी सर्टिफिकेट को आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने टाइम अटैच किया था, उन सभी सर्टिफिकेट को आपको फिर से वेरीफाई करने के लिए रीजनल सेंटर पर बुलाया जाएगा। आगे देखिए क्या कहा गया है, और साथ ही साथ आपको बताया गया है कि सर्टिफिकेट ऑफ एनसीटीई अप्रूव्ड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड, ये वाला भी सर्टिफिकेट आपको उस दिन रीजनल सेंटर पर वेरीफाई करने के लिए लेकर जाना होगा, ठीक है। यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू अरेंज द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर द वेरिफिकेशन एट इग्नू रीजनल सेंटर भुवनेश्वर सून, राइट। मीन्स आपको जल्दी ही ये सब डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर मेंशन किया गया है, आपका ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, या फिर एनसीटीई का अप्रूव्ड आपका टीचर ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट, जो कि फेस टू फेस मोड में होना चाहिए, ये सभी डॉक्यूमेंट्स को आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने टाइम अटैच किया होगा। तो सभी स्टूडेंट्स को ये बोला गया है भुवनेश्वर रीजनल सेंटर की तरफ से कि सभी स्टूडेंट ये सब डॉक्यूमेंट को अरेंज करके रखेंगे, जल्दी ही आपको भुवनेश्वर रीजनल सेंटर पे बुलाया जाएगा ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। ये हुआ आपका एडमिशन के आगे का प्रोसेस। और आपको कब जाना है, तो आपको बताया गया है कि द डेट एंड टाइम विल बी इंटीमेटेड टू
टू यू थ्रू SMS और ईमेल एंड द सेम इंफॉर्मेशन विल ऑल्सो बी अपलोडेड ऑन आवर RC वेबसाइट जो की है rcbhubaneswar.ignu.ac.in। मीन्स आपको बताया गया है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन SMS के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू दिया जाएगा कि आपको रीजनल सेंटर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब जाना है, और सेम नोटिफिकेशन को रीजनल सेंटर के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपडेट किया जाएगा। देन मैं वहां से आपको कंफर्म कर दूंगी वीडियो के थ्रू कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब जाना है। वैसे आप ईमेल को कंटिन्यू चेक करते रहेंगे क्योंकि यहां पर क्लियरली बोला गया है कि आपको ईमेल भी सेंड किया जाएगा, ठीक है। और आगे आपको बताया गया है कि आपको स्टडी मटेरियल कब मिलेगा, तो ये प्लानिंग किया जा रहा है कि फर्स्ट ईयर जो आपका स्टडी मटेरियल है वो आपको जिस दिन आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे सर्टिफिकेट का उसी दिन आपको दे दिया जाएगा, यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है। और आपको बताया गया है कि आपके लिए इंडक्शन मीटिंग भी रखा जाएगा, जो कि इंडक्शन मीटिंग क्या होता है तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। और गाइज यहाँ पर ए नंबर में आपको बताया गया है कि द फॉलोइंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट शैल बी वेरीफाइड, ये सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट को आपका वेरीफाई किया जाएगा, जो कि पॉइंट वाइज यहाँ करके लिखा गया है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, राइट। ये सभी सर्टिफिकेट को, ओरिजिनल सर्टिफिकेट को आपको लेकर के जाना होगा रीजनल सेंटर पे जिस दिन आपको ईमेल या फिर मैसेज आएगा कि आपको इस डेट को, इस टाइम को RC पे विजिट करना है डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवाने के लिए। तो जो सभी पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है सभी स्टूडेंट इसको देख लेंगे, अगर आपको समझ में नहीं आया देन आप कमेंट करके पूछ लेंगे। यही सब डॉक्यूमेंट को आपको लेकर जाना होगा उस दिन रीजनल सेंटर पे वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आपको क्या कुछ बताया गया है, यहाँ 7 नंबर पॉइंट तक मेंशन किया गया है, इसलिए सभी पॉइंट को जरूर देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। और वी नंबर पॉइंट में आपको बताया गया है कि द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी वेरीफाइड फॉर द एप्लीकेंट्स क्लेमिंग रिजर्व्ड सीट, राइट, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो सभी स्टूडेंट्स देख लेंगे इस नोटिफिकेशन को, राइट। तो ये सब आपको हर एक पॉइंट को मेंशन किया गया इस नोटिफिकेशन में। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि आपको यहाँ पर बताया गया, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर बताया गया है एडमिशन टू VED प्रोग्राम January 2021 सेशन फाइन। यहाँ पर आपको बताया गया है कि अंडरटेकिंग टू बी फिल्ड इन बाय द HM इज हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल ऑफ द कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटिंग स्कूल, ये फॉर्म आप देख पा रहे होंगे, ये इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया है कि जब आप इंटर्नशिप करेंगे फर्स्ट ईयर में आपको 4 वीक का इंटर्नशिप करना होगा और सेकेंड ईयर में आपको 16 वीक का इंटर्नशिप करना होगा, तो यहाँ पे आपको इस फॉर्म पे पूरे जो डेटा मांगा जा रहा है उसको फिलअप करके आपको रीजनल सेंटर पे सबमिट करना होगा, जो कि आपको यहाँ पर बताया गया है कि आई हियर बाई अंडरटेक दैट योर स्कूल विल बी प्रोवाइड फैसिलिटेड टू मिस्टर एंड मिसेज, आप अपना यहाँ पर नाम लिख लेंगे और इन सभी डिटेल्स को भर करके आप जिस स्कूल से इंटर्नशिप करेंगे तो वहाँ के हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल का यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये फेस को आपको प्रिंट निकलवा लेना है और पूरे डिटेल को फिलअप कर लेना है, यहाँ पर जो जो आपको डेटा मांगा गया है, सबसे पहले आपको यहाँ पर प्लेस और डेट डाल देना है और आपका फुल नेम डाल देना है, स्कूल ऑफ नेम, ये इसमें उस स्कूल का नाम डालना है जहाँ पर आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे, ठीक है। और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए आप एक ही जगह से इंटर्नशिप करेंगे, राइट। और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द स्कूल, जो स्कूल का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपको यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। और यहाँ पर फुल एड्रेस ऑफ द स्कूल विथ पिन कोड, यहाँ पर जो स्कूल से आप इंटर्नशिप कर रहे होंगे तो उस स्कूल का फुल एड्रेस आपको यहाँ पर डालना होगा पिन कोड के साथ, वो आपको क्लियरली यहाँ पर बताया गया है कि पिन कोड मस्ट है, ठीक है, तो पिन कोड होना ही चाहिए, राइट। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर ऑफ द प्रिंसिपल, हेडमास्टर या फिर हेडमिस्ट्रेस, राइट, मींस यहाँ पे इन सभी का आपको फोन नंबर लेकर के यहाँ पर डालना होगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको बताया गया है, राइट। और यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग स्कूल का यहाँ पर मुहर होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर बताया गया है, और यहाँ पर हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल का मुहर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको बताया गया, राइट। सील ऑफ HM या फिर प्रिंसिपल या फिर यहाँ पर सील ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्कूल, मींस आपको यहाँ पर मुहर होना चाहिए, राइट, ये आपको क्लियरली बता दिया गया है। तो गाइज ये था आज का आपका नोटिफिकेशन जो कि बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, चाहे आप किसी भी रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स हो। जो इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन के थ्रू रिलीज किया गया वो सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ के बाद भी अगर कुछ डाउट आपका रह गया होगा देन आप कमेंट करके जरूर पूछ लेंगे, राइट। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, एंड सभी बीएड स्टूडेंट्स के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।